जय माता रानी की। दोस्तों जुगराज नया आप सभी सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी रुद्रप्रयाग जिला और घिमतौली कॉपर्टी आप सब होते मेरे सादर प्रणाम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो आज फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी में। और आज 21 फरवरी है। अभी आदत सी बन गई है मेरी कि मैं प्रत्येक दिन आपको डेट बताती जा रही हूँ, तो बताती जाऊँगी जब तक बताना है। तो आज 21 फरवरी है और अभी टाइम हो रहा है सुबह की 10 बजने वाली है। तो अभी मैं घर का सारा काम निपटाऊंगी, फिर से वही मेरा डेली का रोजाना का काम वही है। तो आज मेरे पास है बहुत सारा काम। अभी मैंने गाय गोबर बाहर निकाले, तो आज इतना सारा उस दिन निकाला था मैंने गोबर और उस दिन से सीधे आज गोबर निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने डेली का काम, जो मेरा डेली का काम है उसको स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये हमारे गोलू मोलू हैं। हेलो, ये देखो एक बोल लेते हैं, कोई कमेंट्स में बोल रहा था कि पतले हो गए, पतले पुतले कुछ नहीं हुए हैं, इनको दुनिया भर का खाने के लिए है। वो तो हमारे यहाँ ठंडा ज़्यादा होता है इसलिए ये थोड़ा पतले पतले दिख रहे हैं, वरना तो ये तो बिल्कुल अच्छे हो रखे हैं। ये देखिए खट्टे खट्टे हो रखे हैं। अगर इनके मालकिन हट्टी कट्टे हैं तो गाय भी हट्टी कट्टे ही होंगे। ये देखिए गाय भी हमारी ठीक ठाक ही है, कहाँ कमज़ोर है, बट ठंड की वजह से यहाँ थोड़ा गाय कमज़ोर हो जाती है, इसलिए ठंड की वजह से थोड़ा कमज़ोर दिखने लग जाती है। तो चलो मैं घुसती हूँ गौशाला के अंदर गोबर निकालने, तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। ये देखिए दोस्तों यहाँ कितना सारा गोबर जमा हो रखा है। एक होता है गोबर को अच्छे तरीके से निकालना। दोस्तों हर काम के पीछे ऐसे होता है कि कोई भी काम करना और निपटाना करना इसमें अंतर होता है, वैसे गोबर भी है। गोबर को मतलब एक होता है ऐसे उठाया, इसको ऐसे उठाया और ऐसे डाला, एक होता है इसको ऐसे फंदोड़ा फंदोड़ा और बारीक किया तो ये काम आएगा, खेत में अच्छे से काम करेगा, ये खाद का काम करेगा। और अगर ऐसी जो जैसे ये गोला है इसको ऐसे फेंक दिया तो ये एक ही जगह पे काम करेगा, तो बाकी इसको फिंदोड़ फंदोड़ के बिल्कुल अच्छे तरीके से कोई भी काम हो दिल से करना चाहिए और अच्छे तरीके से करना चाहिए, तब जाके उसका मैं उसको उसकी मेहनत का फल मिल पाता है। तो ये देखो गोबर निकालते हुए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है, हर काम को खुशी खुशी करना चाहिए। अब ऐसे है झूठ, मतलब लोग बोलते हैं आप झूठते नहीं हो, आप मतलब वो नहीं करते, मैं झूठती नहीं हूँ। जब मेरे को पता है कि गोबर मैंने ही निकालना है, काम मैंने ही करना है, तो झूठ के फायदा क्या है, अपनी दो बूंद खून की घटा दूंगी, इससे बेटर है खुश होके करो। जब मैंने ही करना है तो खुश होके करो, दो बूंद खून की बढ़ जाएंगी। इसलिए अकेला अकेला सारा जिम्मा संभालना पड़ रहा है भाई, मतलब वीडियो बनाने का भी गोबर निकालने का भी एक ही साथ। ये देखो और इस गोबर को यहाँ पे इकट्ठा करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसको इकट्ठा किया और उसके बाद इसको खेत में ले जाएंगे फेंकने। तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, अभी 5-6 कंडी और होनी है तब तक। अंदर गौशाला के अंदर का गोबर निकाल दिया है, अभी कुछ बाहर पे भी है इसको भी निकालना है, क्योंकि गाय दिन में बाहर ही रहती है तो बाहर भी इतना ही सारा गोबर बना हुआ है तो इसको भी निकालना पड़ेगा। और आज मेरी सासू जी भी घर आ रही है, तो अगर गोबर नहीं निकालूंगी तो डांट तो पड़नी जरूरी है, डांट पड़ेगी, इसलिए बाहर का सारा गोबर भी निकाल देना है आज।
अभी मैंने मार्केट जाना है, तो मार्केट में ऐसी भुतनी बन के जा नहीं सकती, लोग क्या बोलेंगे। एक्चुअली लोग मेरे को बोलते हैं मार्केट में कि तू घर का काम नहीं करती, और मैं चाहती यही हूँ कि सब मेरे को बोले तू घर का काम नहीं करती है, ये लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। तो अभी नहाना भी है थोड़ा, और लोगों पे चूड़ी पहनानी होती है, तो थोड़ा ये गोबर गोबर की बदबू जो है इसको साफ करना पड़ेगा, तब तो जाके काम बनेगा। बेचारों के भी कोई और दोस्तों, ये है निंगले का झाड़ू, हमारे गढ़वाल में हमारे पहाड़ों में मिलता है निंगला, तो हम इसका झाड़ू बना लेते हैं, और बहुत ही अच्छा होता है इसका झाड़ू। तो ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी से झाड़ू मारना स्टार्ट कर देती हूँ, काम को भी जल्दी जल्दी निपटाना होगा मेरे को, क्योंकि अभी मैंने जाना है मार्केट। जैसे ये झाड़ू से कोई भी झाड़ू हो, किसी भी झाड़ू से अगर कोई ऐसी एक टहनी निकल जाती है और अलग से गिर जाती है, उसको नहीं गिरने देना है, उसको फिर से झाड़ू में ज्वाइन करना है, क्योंकि बोलते हैं इससे माता लक्ष्मी, झाड़ू जो है माता लक्ष्मी का वो माना जाता है, प्रतीक माना जाता है, तो ये नहीं निकलना चाहिए, इसको एकजुट रखना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी भी नाराज ना हो। और यार सबसे बड़ी बात यह, मेरे पति देव भी नाराज ना हो, मेरे को काम जल्दी जल्दी निपटाना है। उनका क्या है, वो बेचारे तो सुबह चले जाते हैं, और परसों की वीडियो में जब मैंने अपनी गाय बछड़े दिखाए थे तो बोले थे वाओ हमारे बछड़े इतने बड़े हो गए, तो मैंने कहा आपको वीडियो में ही देखना मिलेगा, क्योंकि आप कभी गौशाला की ओर गए नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे बछड़े हमारी गाय कितनी है। तो बोले थे वीडियो में ऐसे देख रहे वाओ बाप रे हमारे बछड़े इतने बड़े हो गए, तो मैंने कहा हाँ वीडियो ही में ही देखो। तो उनको क्या है, उनको घर का काम के बारे में कुछ जानते नहीं है, हल तक नहीं लगाई उन्होंने आज तक, पर यार दोस्तों उनका बिजनेस है तो उनको मैं बोल भी नहीं सकती कि घर का काम करो। तो ठीक है, बने रहिए आप लोग मेरे साथ, अभी मैंने बहुत सारा झाड़ू मारा है, और मेरा चेहरा देखो कैसे हो रखा है, अभी तक मैंने सिर्फ आंखों पे ऐसे मारा था पानी, क्योंकि रोटी रोटी बनानी होती है, थोड़ा सा पानी डाला था चेहरे पे, कोई साबुन सुबुन का इस्तेमाल भी नहीं किया है। तो ठीक है, अभी गोबर के हाथ भी सूख चुके हैं बिल्कुल। अभी थोड़ा बर्तन धोने हैं, और एक जगह पे थोड़ा झाड़ू मारना छूट गया है यार दोस्तों, पर अभी नहीं मारूंगी क्योंकि देर हो गई है, मैंने मार्केट भी जाना है, अभी मैंने नहाना भी है। ठीक है, फिर से एक बर्तन बर्तन धो लेती हूँ। बंदर भी आ रहे आ रहे, ओह दोस्तों अभी बर्तन बुर्तन धो के और थोड़ा बुग्गू को खाना देना था, या देखो इसके भी सांपों के जैसे ठाट है, इसको भी दूध में मिला के रोटी देनी पड़ती है, बुग्गू अभी खाने पे व्यस्त है, तो इसको दूध में मिला के रोटी देनी पड़ती है तब जाके ये खाता है। और ये वाला घर है जो यहाँ पे सफाई करना छूट गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने झाड़ू अभी तक नहीं मारा है, और नहीं मारूंगी मैं आज, सच में काफ़ी देर हो जाएगी मेरे को झाड़ू मारते मारते। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ा नहा लेती हूँ, और कैसी सूंघी जैसी हो रही कीड़े में। हेलो दोस्तों, तो मैं फैन नहा लो के तैयार हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए, और मैंने यहाँ पे अपने सारे दरवाजे लॉक कर दिए, क्योंकि मैं जा रही हूँ मार्केट और मेरी सासू जी भी घर पे नहीं है, तो ये देखिए सारे दरवाजे लॉक कर दिए, और मतलब लॉक कर दिए यानी ताले तुली कुछ नहीं लगाते हैं, हमारे गढ़वाल में यही एक विशेषता है कि आँख बूझ के यहाँ हर एक पे विश्वास किया जाता है, यानी दरवाजे पे हमारे गढ़वाल में कोई भी हो ताली नहीं लगाता है, कोई कोई ही लगाएगा, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ ताले तुली नहीं लगाते, तो
तो मैं निकल रही हूँ अभी मार्केट के लिए। मेरे बंदरों ने भी बवाल मचा रखा है, बंदरों ने ना, ये देखिए शटर लगा दिया है। और जय माता रानी की, जय कार्तिक स्वामी की, यही नाम लेके मैं हमेशा घर से निकलती हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को मार्केट में। हेलो दोस्तों, तो फाइनली मैं दुकान पे पहुंच चुकी हूँ और अभी मैं खाना बना रही हूँ। मैं रख रही हूँ राजमा और सोयाबीन की दाल, और उसे पकने पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं रख रही हूँ। और मेरा प्रेशर कुकर जो है वो सीटी नहीं मार रहा है, और हेल्प के लिए मैंने बुलाया अपने हबी जी को, तो ये देख रहे हैं। और ये लाए इतना बड़ा सा पत्थर प्रेशर को वो करने के लिए, फोड़ने के लिए बोल रहे, इससे ठीक हो जाएगा। तो मेरे को तो नहीं लग रहा कि पत्थर मारने से प्रेशर ठीक हो जाएगा। और जो ये पीछे ये रजाई गद्दे वगैरह वगैरह दिखाई दे रहे होंगे, आप लोग सोचते होंगे कि ये क्यों रखे हुए रहते हैं यहाँ, तो ये बुक की शादी वगैरह कोई भी कार्य होते हैं कहीं भी, तो वो बुकिंग पे ले जाते हैं रजाई गद्दे, इसीलिए वो यहाँ रजाई गद्दे रखे रहते हैं। यहाँ पे तो कमी है, दूसरे कमरे में फुल भर रखे हैं। तो ये रजाई गद्दे कहीं शादी की बुकिंग वगैरह वगैरह के लिए चीज होती है, तो वो लोग ले जाते हैं बुकिंग में। तो मेरे हबी जी से मिलवाती हूँ मैं आप लोगों को, पहले भी आप लोग मिल चुके हो, और वो वीडियो ही क्या जिसमें मेरे हबी जी ना दिखाई दे, और वो वीडियो ही क्या जिसमें मेरे हबी जी का जिक्र ना हो, तो इन्हें मिलाती हूँ। हेलो जी। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी लोगों के लिए, हार्दिक दिल से प्रणाम। और हम ये चाहते हैं कि हमारी मैडम जो है दीपा देवी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। तो शब्द बोले बगैर दिल को छूंगे रे, थैंक यू मेरे प्यारे से हैप्पी जी। हैप्पी जी का चेहरे को गलो गलो मार रहे पर मेरे से कम है। क्योंकि इतना खुल के हंसते ही नहीं, इनको बोलती हूँ हंसो खुल के, इतना ज्यादा खुल के हंसते नहीं है। तो ठीक है, देखो स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है बेचारे शरीफ, लेकिन शरीफ नहीं है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ शरीफ नहीं है। इस बार मैं मत रहना आप लोगों की शरीफ है, शरीफ बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी सी देर में। हंसी मजाक होती रहती है, तो हंसी मजाक का होना भी जीवन में बहुत मान्य रखता है। क्योंकि देखो परेशान फोड़ने पे लगे हैं, बोल रहे इससे हो जाएगा ठीक, तो पता नहीं। दोस्तों तो मैं भी दुकान पे बैठी हुई हूँ, और यहाँ पे आ रखी है राधिका, इसका गांव है कोखंडी, और जिसपे मैं पहना रही हूँ चूड़ी। तो राधिका कुछ बोल रही है, कैसा लग रहा है तेरे को? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, राधिका को अच्छा लग रहा है बल। कितना प्यारा नाम है ना इसका राधिका। काश मेरा नाम भी दीपिका होता तो कितना अच्छा होता। क्योंकि राधिका नाम अच्छा लगता है मेरे को, और एक दीपिका हो गया वो नाम भी अच्छा लगता है। पर मैं सोचती हूँ कभी कभी मेरा नाम भी दीपिका होता तो कितना अच्छा होता। और राधिका क्या क्या हो रहा है तेरे गांव में? और गांव में क्या हो रहा है, खेत का काम चल रहा है आजकल दीदी। अच्छा, खेत का काम तो सारी जगह चल रहा है। और राधिका को पूछती हूँ मैं कि राधिका मेरे ब्लॉग भी देखती है? राधिका तो मेरे ब्लॉग भी देखती, बहुत देखती हूँ। अच्छा, थैंक यू तब तो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी कभी चूड़ी पहनने आना होगा तो आ जाना, मैं चूड़ी ठीक ठाक ही पहना लेती हूँ, आप लोग भी आ जाना, देख सकते हो आप लोग, देख लो कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियां हैं। जैसी प्यारी दीदी है वैसी ही चूड़ियां। हाँ दीदी प्यारी, थैंक यू, ये भी तो प्यारी है। तो जितने दिन आप राधिका भी तो प्यारी है भाई। ठीक है दोस्तों, बने रहिए आप लोग मेरे साथ, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। अभी इसने कड़े पहन रखे हैं, ये भी निकालने पड़ेंगे, अब ताकत चाहिए इनको निकालने के लिए, क्योंकि काफी टाइट कड़े पहने हुए हैं राधिका ने। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, तो फाइनली मेरी सासू जी आ चुकी हैं घर, और मैं लगा रही हूँ इन पे चूड़ी। तो ये देखिए बुलाता हूँ, देखिए कुछ क्या बोला, बालाचन बोल से, बालाचन से भी वीडियो दियो खना रहे, वो वीडियो दियो खना रहे, वाह ये बोले वीडियो देखते रहना, बलवा देखते रहना। हाँ अभी नहीं, मैं बोला बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। चुट प्रो।
ये देखिए दोस्तों, फाइनली मैंने इन पे चूड़ी पहना दी है, तो ठीक है। कुछ बना से ठीक है। तुम क्या समझ रहा? मेरी सासू जी बोल रही है कि मेरे पे रंग आ रखा बन, सच्ची आ रखा दोस्तों रंग। तो सासू जी भी मेरी मोटी ताजी अच्छी हो रखी है, सासू जी भी तो रंग आ रखा है। हेलो दोस्तों, तो फाइनली मेरी सासू जी भी घर चली गई है, और मेरी सासू जी की बातें आप लोगों ने सुनी ली होंगी। बोली है मेरी बुआरी पर रंग आ रखा है भले, तो मैंने कहा मेरी सासू जी पे रंगे आ रखे है, दोनों पे रंगे आ रखे है, तो माता रानी की कृपा बनी रहेगी तो सब पे रंगे आएगा। हाँ, और ये बजा रही तो नहीं, अभी तक तो सासू जी लेके आई है संतरे, तो बहुत ही मीठे मीठे रसीले संतरे हैं और पेड़ से निकाल के लाई है बल। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यही पे समाप्त करती हूँ, और आप सब पे माता रानी की कृपा बनी रहे, आप सब लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे। जय माता रानी की। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।